यू आर वॉचिंग BitBNS News। हेलो एंड नमस्कार, आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है। इसलिए ये सुनिश्चित करें कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखें और अपने आप को अपडेटेड रखें। आज की हेडलाइन, टेरा रेबल्स टेरा क्लासिक कम्युनिटी को वैलिडेटर बनने पर एजुकेट करता है। पिछले 24 घंटे में शिबा इनू बर्न रेट 1493% बढ़ा, जबकि पिछले सप्ताह केवल 147 मिलियन शिब बर्न हुआ। शिबा इनू को फ्लोकी इनू और द हाइडवे द्वारा ओवरथ्रो कर दिया गया। 3.2 मिलियन टेरा क्लासिक एक सप्ताह में जल गया। 168 मिलियन 0.2% टैक्स से कुल LUNC 22 मिलियन से अधिक गया। बाइनेंस से जुड़े ब्लॉकचेन को $570 मिलियन क्रिप्टो हैक द्वारा हिट किया गया। ब्राजील में 24,000 ATM से टेथर USD उपलब्ध होगा। सिंगापुर हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार NFT को एसेट माना जा सकता है। कैनन ने दो नई बिटकॉइन माइनिंग मशीन्स लॉन्च की। FTX API फिशिंग विक्टिम्स को $6 मिलियन जितना अधिक कॉम्पनसेशन देगा। क्रिप्टो एक्सचेंज Bit2Me ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी डेका लैब्स का एक्विजिशन किया। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग शुरू करने के लिए इसराइल का मेन स्टॉक एक्सचेंज। टेरा क्लासिक रिवाइवल रोडमैप के पीछे वॉलंटियर ग्रुप टेरा रेबल्स का उद्देश्य टेरा क्लासिक ब्लॉकचेन के सभी एस्पेक्ट्स पर LUNC कम्युनिटी को एजुकेट करना है। नए वैलिडेटर्स को जोड़ने के हालिया घोषणा के साथ कम्युनिटी ने एक वैलिडेटर स्थापित करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की एक्सप्लेनेशन करने के लिए एक आधिकारिक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है। पिछले एक सप्ताह में 147.59 मिलियन से अधिक शिबा इनू जल गए। पिछले 24 घंटे में 45.16 मिलियन और एक महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन में 37.84 मिलियन जल गए। शिबा इनू दूसरा सबसे पॉपुलर मीम कॉइन, जैसा कि निवेशकों ने फ्लोकी इनू पर अपनी नजरें गड़ाई हुई है, पक्ष खोते दिख रहा है। 2021 के बुल मार्केट में मीम कॉइन्स के कुछ बेहतरीन क्रिप्टोकरेंसी थे, लेकिन यूटिलिटी की कमी के कारण वे सबसे तेज डंप किए गए थे। बाइनेंस की मदद से हर हफ्ते बिलियंस टेरा क्लासिक टोकन जलाए जाते हैं। LUNC बर्न के आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर 22.7 बिलियन टेरा क्लासिक टोकन जला दिए गए हैं। लंदन 7 अक्टूबर रूटर्स दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस से जुड़ा एक ब्लॉकचेन $570 मिलियन हैक की चपेट में आ गया है। एक बाइनेंस स्पोकपर्सन ने शुक्रवार को कहा, इस साल क्रिप्टो सेक्टर को हिट करने के लिए हैक की एक सीरीज में नवीनतम। 3 नवंबर को कंपनी ने गुरुवार की घोषणा की कि स्टेबल कॉइन इश्यूअर टेथर ब्राजील में 24,000 ATM पर टेथर उपलब्ध कराएगा। टेथर ब्राजील के क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर स्मार्टपे के साथ साझेदारी के माध्यम से USDT को ब्राजीलियन रियाल्स में बदलने की सुविधा प्रदान करेगा, जो टेक बैंक के साथ इंटीग्रेटेड है। यह लोकल कंपनी बैंको 24 होरास ब्रांड नाम के तहत 24,000 ATM ऑपरेट करती है। जज ने इस फैसले को मई में दिए गए इंजंक्शन के एक्सप्लेनेशन के रूप में जारी किया, जिससे बोर्ड ऐप NFT की किसी भी पोटेंशियल सेल्स को रोका जा सके। बोर्ड ऐप यार्ड क्लब 10,000 कार्टून मॉन्की का एक कलेक्शन है, जो अक्सर $150,000 के मूल्य में प्राप्त करते हैं। कैनन INC हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सोल्यूशन के एक मेजर सप्लायर ने आज 24 अक्टूबर एवलॉन मेड A13 सीरीज की शुरुआत की घोषणा की, जो हाई परफॉर्मेंस वाली बिटकॉइन माइनिंग मशीनों की एक नई जनरेशन है।